पूर्व सैनिकों से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पड़ोसी जिले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला अंतर्गत गहमरगांव में 12 एवं 13 मई को शिविर का आयोजन किया है। इसे आप पेंशन शिविर अथवा पेंशन अदालत भी कह सकते हैं। गहमर बक्सर जिले का पड़ोसी इलाका है। यहाँ 12 एवं 13 मई को पेंशन अदालत आयोजित होगी। इसकी जानकारी सैनिक संघ के सदस्यों ने रविवार को शहर के चीनी मिल इलाके में हुई संघ की बैठक में दी। संघ के अध्यक्ष हरेंद्र तिवारी ने इसकी चर्चा करते हुए बताया, कोई भी सैनिक अथवा उसके आश्रित जिनका किसी तरह का कोई बकाया हो अथवा पेंशन से संबंधित कोई मामला हो तो इस शिविर में पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गहमर में आयोजित इस सैनिक पेंशन शिविर में पूरे देश से लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसमें अमूमन बिहार और यूपी के लोग शामिल होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बक्सर के लिए अच्छी बात यह है कि जिला मुख्यालय से गहमर की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। आप यहां बक्सर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके भी जा सकते हैं। सड़क मार्ग से भी चौसा यादव मोड़ के समीप करमनासा नदी को पार करने के महज 5-6 किलोमीटर आगे यह गहमर गांव स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। यहां बहुतायत मात्रा में सैनिक हैं, इसीलिए शिविर वहां आयोजित किया गया है। फिलहाल हरेंद्र तिवारी की बात। संडे को हमारा मीटिंग होता है, जिसमें कि हम सभी लोगों को, जितने हमारे वीर नारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको पेंशन से संबंधित हम सब जानकारी देते हैं। लेकिन आज का जो बैठक खास इसलिए है कि 12 और 13 मई गहमर में एक हमारा पेंशन अदालत लग रहा है, जिसमें जितने केवल बिहार के ही, यूपी के ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो पूर्व सैनिक हो, वीर नारी हैं, उनको एकदम हाथों हाथ उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। तो उसी के बारे में हमने सबको ये जानकारी देने के लिए बुलाया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जा करके अपना फ़ायदा उठाएं। जिसको पेंशन की समस्या हो, किसी तरह की समस्या हो, तो वहाँ जा करके उसका सुविधा का लाभ उठा सके। गहमर में शिविर किस दिन लग रहा है? ये 12 मई को लग रहा है। वहाँ पर ITI जो कॉलेज है, इंटर कॉलेज में लग रहा है 12 को और 13 मई 2022 को, मतलब आज से 4 दिन के बाद। देखिए, मेन यह शिविर एक्चुअली सेंट्रल कमांड आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू रक्षा मंत्रालय के तहत लग रहा है, लेकिन सैनिक संघ का मुख्य इसमें हमारा जो रोल है, ताकि अधिकांश से अधिकांश गांव लेवल पर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव में देहात में रहते, उनको पता नहीं होता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कि अभी पेंशन उनको सही मिल नहीं रहा है, तो उनको जानकारी देना, ताकि वो लोग जा करके जो पेंशन जो सही नहीं मिल रहा है उसको जा करके वहाँ उसका लाभ उठाएं, उनका पेंशन जो एरियर के साथ वहाँ मिल जाएगा। इसलिए हमारा रोल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाएं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास संदेश भेजें। आपका परिचय सर? मैं सुबेदार हरेंद्र तिवारी, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ जिला बक्सर। चलते चलते आपको एक बार हम फिर याद दिला दें, 12 एवं 13 मई को पड़ोसी जिले गाजीपुर के गहमर में सैनिक पेंशन अदालत का आयोजन हो रहा है। इसमें कोई भी पूर्व सैनिक, उनके परिजन, उनकी वीरांगना पत्नियां अथवा उनके आश्रित इस कार्य महाशिविर में शामिल हो सकते हैं एवं अपनी मांगों को रख सकते हैं। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।